का सारा सामान डगा दिया था, तो वहां से छुट्टी लेके आए तो घर देखा ना तो कुछ भी कुछ था घर हमारे, घर की जगह घर ही था और कुछ भी नहीं था, ना खाट ना बिस्तरे ना बर्तन कुछ भी नहीं था, सब जी डिगा चिट्टा का रखा टिक्के लगाया करता जी। टिक्के लगाया करता। कितनी उम्र थी सोनू की? ये चिट्टा वगैरह बिकता जी इस गाँव के अंदर। हम बहुत दुखी है, प्रशासन से भी मैंने कई बार डाला है, उनकी नॉलेज में कोई नहीं कुछ। आज उनकी 13वीं के दिन आ रही हैं, तो उनके हालात देख सकते हैं, क्योंकि घर से जब कोई युवक चला जाए और वो भी नशे के कारण, तो आप देख सकते हैं ना कोई खाट है ना कोई गैस चूल्हा है, इन्होंने सब बेच दिए, लोगों पे कर्जा उठा उठा के हमने लगा रखा है, कहां से लेंगे। करते वक्त कई बार ऐसा समय आता है कि वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पावड़ा गाँव में। अक्सर देखने को मिलता है कि सरकार युवाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, लेकिन क्या युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है? और अगर उठा रही है तो फिर ऐसे हालात क्यों हैं कि पावड़ा गांव में एक नहीं दो नहीं तीन तीन लड़के नशे की गिरफ्त में आकर इस जहान से चले जाते हैं। हम जिस परिवार के पास खड़े हैं, यहाँ पर इसी परिवार के तीन लोगों की, तीन युवाओं की मौत नशे के कारण हो चुकी है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, विनोद नागर मात्र 30 साल के आसपास की उम्र का ये युवक नशे की लत के कारण इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आज परिवारजनों पर क्या गुजर रही है, परिवार की एक एक महिला एक एक बच्चा बुजुर्ग फूट फूट कर अपने बच्चे को याद करके रो रहा है, लेकिन नशे पर लगाम नहीं लग रही। युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं और इस दुनिया से चले जा रहे हैं। इसी परिवार के तीन युवक, इसी मोहल्ले के तीन युवक जो अच्छा खासा हट्टे कट्टे होने के बाद नशे की लत लगी और देखते ही देखते वो इस दुनिया से विदा हो गए। हम परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ भाई साहब, आपके परिवार में बड़ी दुखदाई घटना हुई, कैसे ये घटना हुई इसके बारे में? ये चिट्टा वगैरह बिकता जी इस गाँव के अंदर। हम बहुत दुखी है, प्रशासन से भी मैंने कई बार डाला है, उनकी नॉलेज में कोई नहीं कुछ करता। मेरे तीन गए परिवार के सदस्य, लेकिन मैं DSP को भी फ़ोन किया था, SHO से ही बात करता हूँ मैं, वो कहता मेरी नॉलेज में नहीं आता। उसने कल भी मेरे से बात हुई है, वो कहता था जी मैं 10 दिन हुए अभी तक ड्यूटी पाए हुए। पहले मैंने उसको प्रशासन को भी बोला, कल भी मैंने बोला, कल CIO वाले को फ़ोन भी आया था मेरे पास, उनको मैंने टाइम दिया था 9:30 बजे का, आज तक कोई प्रशासन अभी तक नहीं पहुँचा जी। मेरा पहला बेटा गया 29/10 को, उसके बाद में मेरा भाई विनोद गया 5/11 को, उसके बाद में फिर मेरा भतीजा चले गया 8/11 को, यानी कि लगातार एक ही परिवार में मेरे तीन तीन मौत है जी। हमारा प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि मेरा कुछ किया जाए। मेरे तो बच्चे चले गए, आगे की भावना मैं ये कहता हूँ कि युवक या किसी का बच्चा ना जाए, हमारे तो चले गए कोई बात नहीं। मैं यही कहता हूँ अब भी, इस गाँव के अंदर कंट्रोल होना चाहिए चिट्टे वगैरह का। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी, कोई यहाँ पे यानी कि एक्शन नहीं ले रहा, कोई भी आता है कानों में मार के चला जाता है। मैं बार बार प्रशासन से यही कहता हूँ कि अपने रेड मारें और स्प्रे कर या करते रहें। बाकी आप पूछ लें जी महिलाओं से। ये बताओ इन बच्चों की उम्र कितनी कितनी थी और किस प्रकार का नशा लेने शुरू किया? एक मेरा बेटा था, ये 20 साल का था, 21 का होगा ज़्यादा ज़्यादा, चिट्टे का नशा करता था जी। हमने बहुत रोका, 3 साल 4 साल यानी कि 2 साल से लगातार बीमार था। इधर ये मेरी भाभी जी है, घर पे ना कोई खाट है ना कोई गैस चूल्हा है, इन्होंने सब बेच दिए, लोगों पे कर्जा उठा उठा के हमने लगा रखा है, कहाँ से लेंगे जी ने बताओ। इतना हमारा ब्योत नहीं है कि हम हमारे ढूंढ हैं, ये कच्चे कच्चे पड़े हैं, आप देख भी सकते हो अंदर जा कर के। तो मैंने कई दफ़े मैंने खुद ने प्रशासन की नॉलेज में दिया है, मैंने उन्हें कहता कि किसी और सिखवा है, मैंने खुद डाला है नॉलेज में, लेकिन कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा सर। तीन जो युवकों की मौत हुई कितने कितने दिन का बीच में? 1/29/10 को हुआ जी, यानी कि 10 दिन के भीतर तीन चले गए जी। तो पावड़ा गांव में इस तरह से कितना नशा मानते हैं इलाके में बिक रहा? यहाँ बिक रहा है जी, दुकानें भी खुली हुई हैं, लेकिन हम तो कह नहीं पाएंगे क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हम तो किसी पर सीध करेंगे तो हमारे को तो सामने उठाने के लिए आ जाएंगे। मुख्य अतिथि है जो भी हैं, उनको कहूँगा मैं बार बार रिक्वेस्ट करके कि इस नशे पर ध्यान दें और इस गाँव से ये नशा खत्म करें। देखिए किस प्रकार से नशे की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हुई है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, मुक दर्शक होकर के बैठा है और लोगों के युवा यहां से नशे की लत के कारण मौत का ग्रास बनते जा रहे हैं। देख लीजिए कि किस प्रकार के उनके रिश्तेदारों को यहां पर लाया जा रहा है, तो उनके हालात आप देख सकते हैं। एक महिला उनकी रिश्तेदार है जो यहाँ पर आज उनकी 13वीं के दिन आ रही हैं, तो उनके हालात देख सकते हैं, क्योंकि घर से जब कोई
युवक चला जाए और वो भी नशे के कारण, तो आप देख सकते हैं कितना परिवार के लोगों पर पहाड़ टूट रहा है। यहाँ पर उनकी माता है, ऐसे हालात में बात करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। आपके बेटे का नाम क्या था? सोनू जी। सोनू, सोनू कब से नशा करने लगा था, आपको कुछ पता चला? ये 2 साल से जी। 2 साल से कर रहा था। तो क्या नशा किस तरह का करता था, कुछ पता चला? जी चिट्टा का टिक्के लगाया करता जी। टिक्के लगाया करता। कितनी उम्र थी सोनू की? 20 साल जी। 20 साल उम्र थी। तो आपके परिवार में, आपके आसपास में और भी 2 लोग जो युवक थे, उनकी मौत हुई है ऐसी? हाँ जी, नशे के वजह से जी। नशे की वजह से हुई है। तो आप क्या सरकार से कोई अपील, प्रशासन से कोई अपील की इस प्रकार जो नशा फैल रहा है, माओ के लाल जा रहे हैं, क्या कहेंगे नशे को? ये जी मेरे गलत जो सी घटना होगी, आगे के लिए घटना नहीं होनी चाहिए, ये रोक लगाओ जी। एक माँ की आवाज़ इतनी दर्द भरी कि उनसे बात करना भी मुश्किल होता जा रहा है कि नशे पर रोक लगाओ। इनका एक युवा बेटा सोनू जो इस दुनिया में नहीं रहा सिर्फ वजह नशे की वजह से ही, पूरे परिवार पर, एक नहीं दो नहीं तीन तीन परिवारों पर पहाड़ टूटा दुखों का। तो यहाँ पर और उनके रिलेटिव हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। कोई नहीं, आप बताइए किस तरह से ये घटना हुई और क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो जी भाई का साड़ा था विनोद, और पिछले संस्कार पाए थे हम, संस्कार अभी आज बातचीत, कल और एक लड़का गुजरे आएंगे। हाँ, तो मैंने यहाँ के पता लगाया तो इन्हें का बगड़ में जी इतना नशा है, सिरिंज लगाते हैं ये, चिट्टास वगैरह लेते हैं। और बताया जब ये दिलबाग जी ने, एक ही घर में तीनों मौत हुई है, और अब भी पूरा जोरों से चालू है। आप कागजा में अखबार में देखा नशे के प्रति सरकार नू जागरूक है वो है, लेकिन यहाँ देख लो जी, हाँ जमीनी सतर पर कुछ भी नहीं है जी। तो क्या प्रशासन सरकार से क्या मांग करते हैं भाई? ये लगाम लगाए और बच्चे ना मरे, युवा मरे जी, 20-20 साल के जी, और ना मरे, रोके सरकार इसको। सरकार नशे पर रोक लगाए, हर कोई यही मांग कर रहा है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपके क्या रिश्ते में क्या लगते थे? ये अपने साडू का भांजा है जी। साडू का भांजा है जी। तो कैसे पता चला ये नशा करता है और कितनी ज्यादा लत इनको लग गई थी? ये तो काफी दिन से चला जी, काफी लड़के यहाँ यहाँ नहीं है, हर गाँव में है, हमारे गाँव में भी है, बुढ़ाखेड़ा में भी है। हम तो आपके माध्यम से सरकार से ये कहते हैं कि इसको ऊपर थोड़ी लगाम लगाई जाए, नशे में बच्चे बहुत ज़्यादा आगे, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा नशा फैल रहा है। हाँ फैल रहा है, तो सरकार से ये है कि इनको कंट्रोल किया जाए, या तो कोई चौकी वगैरह या किसी टाइम कोई टीम लगा के या किसी के मतलब थ्रू गांव के अंदर कोई बंदा छोड़ा जाए, उनकी शैडी ली जाए, उनको पकड़ा जाए, जो नशे बेच रहे उनको पकड़ा जाए, क्योंकि उन्हें बेचने वाले तो बेच देते हैं, जो बच्चे उनकी, जो गरीब बच्चे बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो ले आते हैं, और नशा इतना बढ़ जाता है स्त्री को ख़त्म कर देते हैं। तो कितना नशा फैला हुआ है पावड़ा का? जी बहुत नशा फैला हुआ है, आज की पूरी नई जनरेशन बर्बाद हो गया इस नशे ने, बर्बाद कर दिया, घर के घर बर्बाद कर दिए हैं। लोकल प्रशासन को चाहिए कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करे इस चीज़ को, सरकार तो जो कदम उठाएगी उठाएगी, लेकिन लोकल प्रशासन को इस पर बहुत अच्छा कदम उठाने चाहिए ताकि आगे ये घटनाएं ना हो जी। अगर मैं बात करूं पावड़ा गांव की, पावड़ा गांव थाना बरवाड़ा के अंतर्गत आता है, DSP बरवाड़ा में बैठता है, उसके बावजूद भी बरवाड़ा में नशा इस कदर, बरवाड़ा इलाके की बात की है और ख़ास करके पावड़ा गांव की बात की जाए तो नशा इस कदर है कि 3 युवा इस दुनिया से चले गए, वो भी सिर्फ नशे के कारण। सिर्फ 10 दिन के अंतराल के अंदर पावड़ा गाँव में 3 युवाओं की नशे के कारण मौत हो जाना बहुत बड़ा हादसा है। क्या प्रशासन सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि इस प्रकार अगर नशा फैलता रहा और युवाओं की मौत होती रही तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या बरवाड़ा के DSP SHO इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है कि उनके क्षेत्र में इस तरह से नशा बिक रहा है, सफेद चिट्टा बिक रहा है, नशे की सिरिंज टिक्के लगा करके युवा बर्बाद हो रहे हैं, पूरे 3 परिवार यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा और कब इसका सलूशन होगा? ये लोग, ये रोती हुई माताएं बहनें आप देख सकते हैं जिनके घर के लाल चले गए हैं, वो आज किस तरह से, मान सकते हैं कोई दुर्घटना हुई हो, कोई वजह रही हो, उसकी वजह से घर का कोई सदस्य चला जाए, लेकिन नशे के कारण परिवार के युवा चले जाए तो ये सहन करने योग्य बात ही नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोग देख रहे हैं उनसे भी हम अपील करते हैं रवि पथ के माध्यम से कि नशे के खिलाफ आप एक अभियान चलाएं और सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नशे पर कड़ी लगाम लगाई जाए ताकि मरने वाले युवाओं को बचाया जा सके। और अगर इस पर
चाहे गांव के सरपंच हो, नंबरदार हो, युवा कमेटी हो, वो भी गांव में चाहे वो ठीकरी पहरा लगाए या प्रशासन के नोटिस में दे करके नशे की गिरफ्त को रोके, ताकि इलाके में नशे की गिरफ्त से युवाओं को बचाया जा सके और उनकी मौत को रोका जा सके। अपने दूसरे युवक चरण सिंह की जो मौत हुई, उसके पिताजी भी हमारे साथ हैं। आपका नाम? पवन जी। पवन, आपके बेटे की मौत हुई, कैसे हुई, कुछ बता सकते हैं? यूं जी, टीके लगाया करता जी, नशे की। हाँ जी। कितने टाइम से? शाम सवेर लगा करता। सुबह शाम लगाते? आपको कब पता चला? दो साल हो गए, तीन हो गए, पूछ रहे हैं। तीन साल हो गए जी। तीन साल से लगातार कर रहा था? हाँ, लगातार। तो आपको कब पता चला कि इस प्रकार की नशे की आदत उसको पड़ गई? आज तो नहीं पता लगा जी, मैं घर का सामान डिगाने लगा जी। अच्छा, जिधर बेरा लगा जी, मैंने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया था। हाँ जी। इसके घर के अंदर जी कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, ना तो कोई खाट वगैरह है, ना कोई बर्तन है, ना कोई फराटा है, ना कोई कूलर है, वो सभी उठा उठा करके बेच के आता था जी। और उसके बाद ये उसका छोटा भाई है, ये भी विकलांग है जी, ये भी 4 महीनों में रोहतक से आया है। उसके बावजूद ये तो यहाँ नहीं थे, तो ये इसको लेकर के रोहतक PGI में थे। उसके बाद में उसने कुछ भी नहीं छोड़ा जी। और उस टाइम मरा, मैंने उसके पास आपने हमने दिखाए थे, 5 सिरिंज पी हुई थी, 3-4 तो लगा चुका था, 1 बड़ी भराई मिली थी हमारे को, हमने नहीं पता कहाँ से ले आता वो। बिक तो रहा है, सब नहीं पता है, प्रशासन नहीं पता है, सके पता नहीं कि प्रशासन नहीं होना सब बिकता है, पता नहीं गांव के अंदर जी। आपसे कितना छोटा था? मेरे से बड़ा था। बड़ा था, कितनी उम्र बड़ी थी? 2 साल जी। 2 साल। तो आपको कभी आभास हुआ कि वो इस तरह से नशा करने लग गया है? ना जी, नहीं पता चला। नहीं पता चला। तो फिर कब पता चला? जब घर का सामान चोरी होने लगा। हाँ जी, मैं एक्सीडेंट हो गया था, मुझे 5 महीने हो गए एक्सीडेंट हो गया ना, तो मैं रोहतक PGI 4 महीने रह के आया हूँ, जब पता चला हमने कि नशा करने लगा। हाँ, नशा करने लग गया, तो घर का सारा सामान डिगा दिया था, तो वहाँ से छुट्टी लेके आए तो घर देखा ना, तो कुछ भी को था घर हमारे, घर की जगह घर ही था और कुछ भी नहीं था, ना खाट, ना बिस्तरे, ना बर्तन, ना कुछ भी नहीं था, सब दिगा रखा घर से नशे की लत के कारण सब। हाँ जी, नशे की। देखिए, हम एक बार फिर से पावड़ा गांव के हालात से प्रशासन और सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं कि यहां पर नशा इस कदर हावी है कि युवा नशे की लत में लगकर पूरा घर का सामान बेच देते हैं, और जब नशा उनके खून में इस तरह से रम जाता है और उन्हें नशा नहीं मिलता तो उनकी मौत भी हो जाती है। प्रशासन और सरकार इस पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द नशा बेचने वालों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।